नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वी कॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर नेशनल इनकम ऑफ इन इंडिया, भारत में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, किनको हम नेशनल इनकम कहते हैं, इसके क्या स्टेप हैं, दादा भाई नौरोजी इसके प्रथम उत्पादक के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं, भारत में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसके संबंध में उन्होंने दी है, स्वतंत्रता के बाद कौन सी कमेटी का गठन हुआ है, हम मेजरमेंट और कहां पे हमारे लिए लो मेजरमेंट है जिससे हमें नुकसान है, स्लो ग्रोथ ऑफ द नेशनल इनकम के विषय में बताई गई। फर्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए हेडिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इन दी योर इंडिया इन द बिजनेस ऑफ द सिस्टम, टोटल गुड्स एंड सर्विस एक्टिविटी इन डिपेंड ऑफ द सिस्टम। किसी भी राष्ट्र में गुड्स और सर्विस की जो टोटल फैसिलिटीज आपको प्राप्त होती है उससे एक व्यक्ति की जो इनकम प्राप्त करता है, कंजम्पशन करता है, खर्च करता है, जितनी उसके पास इनकम प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय स्तर पे निकालने का प्रयास किया जाता है। नेशनल इनकम इज ए मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ द इनकम जनरेट विथ द नेशनल टेरिटोरी, एक व्यक्ति का नहीं पूरे राष्ट्र का, प्लस नेट इनकम रिसीव्ड नेशनल इनकम मेजरमेंट फ्लो गुड्स एंड सर्विस, पर इनकम नहीं नेशनल इनकम को ध्यान दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ द इंडिया इन द यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, मिल्क ब्रेड फूडिंग आइटम ऑफ द आपके लिए जो भी है, फ्रूट्स वगैरह जो भी यूज करते हैं, बर्गर है, पिज्जा है, ये सब। नेक्स्ट नेशनल इनकम मेजर प्रोडक्टिव पावर ऑफ द इकोनॉमिक गिवेन द पीरियड, फिर गिवेन द पीरियड इन फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, टर्न आउट गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फैक्शन ह्यूमन वांट्स। एक ईयर में जो डिमांड और सप्लाई होती है, एक व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस प्रकार से हम ह्यूमन वांट्स को, गुड्स को हम टू टाइप ऑफ द गुड्स डिवाइड करते हैं। एक गुड्स फाइनल गुड्स प्रोडक्शन के बाद जो वो यूज करता है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएटरी गुड्स वह जो अपने फर्दर सामान के लिए यूज करता है। यहां पर सिटीजन नागरिक जो भारत का मूल निवासी है, रेसिडेंशियल सिटीजन भी कही जाती है जिसमें इनकम टैक्स के अंतर्गत बताया गया है, अब रूल वहां पे देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 182 डे इन स्टे इन इंडिया, यदि कोई व्यक्ति भारत का है और वह फॉरेन कंट्री में बिजनेस करता है और वहां से इनकम प्राप्त करता है और भारत लाता है तो और भारत की नेशनल इनकम के रूप में मानी जाएगी। बट कोई भी व्यक्ति फॉरेनर है, वो इंडिया में बिजनेस करता है और बिजनेस करके इनकम बाहर ले जाता है, वो तो राष्ट्रीय इनकम के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके लिए इस एक आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा आता है अनडोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको इंडिया में ही प्रोडक्शन करनी है, नॉन डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री से भी प्रोडक्शन करके इंडिया में सामान लाके हम बेचते हैं। यदि वह इनकम इंडिया में रहती है तो वो नेशनल इनकम के रूप में मानी जाएगी। डिफिनेशन हिक्स के अनुसार, प्रोफेसर हिक्स, नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिड्यूस्ड कॉमन बेसिस बीइंग मेजरमेंट ऑफ द मनी, गुड्स एंड सर्विस की कॉमन बेस पर मुद्रा के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम एस्टीमेट मेजर द वैल्यू ऑफ द कॉमन कमोडिटी एंड सर्विस टर्न आउट ड्यूरिंग गिवन पीरियड काउंटेड विथ द डुप्लीकेशन। इंडिया में
फर्स्ट, आपको मैंने अभी बताया कि इंडिया में सबसे प्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम की व्याख्या की थी। इंडिपेंडेंस ऑफ दी स्वतंत्रता गया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ इन इंडिया 1947 आफ्टर 1947 में स्वतंत्रता के बाद नेशनल इनकम के संबंध में 1949 एमआरपीसी महालोनबिस एमआरपीसी महालोनबिस वाज द चेयरमैन इन द डॉक्टर आर गॉडगे एंड वी आर राव मेंबर ऑफ द कमेटी। नेशनल इनकम के लिए एक कमेटी गठित की गई जिसमें महालोनबिस कमेटी का नाम दिया गया जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर गॉडगिल एंड वी आर राव मेंबर थे उस कमेटी के। फर्स्ट फाइनल रिपोर्ट नेशनल इनकम इन इंडिया 1954 में दी गई। प्रिंसिपल फीचर ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के प्रथम सिद्धांत उसमें दिए गए जिसके कुछ रीजंस कारण के रूप में मैं एक एक करके 60 में आपको, ऐसे तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, 60 में हम आपको बता दें। फर्स्ट है ड्यूरिंग 1950 to 51 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री फिशरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। नेशनल इनकम में इस कमेटी के द्वारा कहा गया कि एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज इनकम पशुओं से संबंधी व्यापार को भी नेशनल इनकम में रखा जाएगा। नेक्स्ट है माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग हैंड ट्रेड ऑफ दी 16 टोटल माइनिंग ऑफ दी प्रोडक्ट जैसे कोल है अभ्रक है जो भी जमीन से नीचे हुए सर और जमीन से अंदर से खोद के सामान निकाले जाते हैं उससे जो इनकम प्राप्त होती है वो नेशनल इनकम में शामिल है। कॉमर्स ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अकाउंट फॉर द लिटिल मेजरमेंट इन द लोस एंड द 160 आइटम इन द नेशनल इनकम। अदर्स सोर्स इन द फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल लिबरल आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस डोमेस्टिक सर्विस हाउस प्रॉपर्टी अकाउंट इन द 15% इन द नेशनल इनकम। ये सब डोमेस्टिक सर्विस हाउस प्रॉपर्टी ये आपके लिए 15% नेशनल इनकम में सपोर्ट करते हैं। द शेयर ऑफ द कमोडिटी इन द प्रोडक्शन वाज द अबाउट 2/3 नेशनल इनकम मटेरियल प्रोडक्शन रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर माइनिंग फैक्ट्री एंड द हैंड ट्रेड्स ऑफ द इंडिया। सेक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में 2/3 ये सामान आपकी इंडस्ट्री के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो ये इनडायरेक्ट में आपके नेशनल इनकम में सहयोग करते हैं। सर्विस अकाउंटेंट 1/3 नेशनल इनकम कॉमर्स ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एंड डोमेस्टिक सर्विस मीन्स वो प्रोडक्शन नहीं करते लेकिन बिना उनके प्रोडक्शन होना संभव नहीं है, मतलब लोगों की सेवाओं के द्वारा फैक्ट्री में काम करने एडमिनिस्ट्रेशन करने लेबर है इंजीनियर है डॉक्टर है टीचर्स है बिना सर्विस किए हुए आपको प्रोडक्शन देना संभव नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वॉज दी 7.6 गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा भी इंडस्ट्री में काफी सहयोग रहता है। गवर्नमेंट की अपनी जैसे रेलवे है एयरपोर्टें हैं इंडियन एयरलाइंस है गवर्नमेंट की अपनी फैक्ट्रीज है इन फैक्ट्रियों में लोग प्राप्त करते हैं जिससे इनकम प्राप्त करती है वो राष्ट्रीय आय में सहयोग करती है। वर्क आउट दी अबाउट इन दी अदर सर्विसेज से 10% नेशनल इनकम में सहयोग होता है। ये आपके लिए डॉक्टर आर जी गॉडगिल की फर्स्ट रिपोर्ट में कौन कितने परसेंट से सहयोग किया इसके विषय में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे इंपॉर्टेंट चीज है इन द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। फर्स्ट प्रोडक्शन आर वैल्यू एडेड मेथड प्रोडक्शन आर द वैल्यू एडेड मेथड को फर्स्ट जीएनपी और एनएनपी के रूप में व्याख्या की गई है। अंडर द मेथड मनी
value goods and service production is for specific economic period of the 1 year. इसके अंतर्गत जो कैलकुलेशन लिया गया है वो फाइनेंशियल ईयर होगा 1st अप्रैल टू 31st मार्च. इन मनी वैल्यू कैलकुलेट मेक प्राइस सब टोटल जीएनपी. जीएन एग्रीगेट द वैल्यू करंट प्रोडक्शन इन गुड्स एंड सर्विस गवर्नमेंट एंड अदर बिजनेस. जे ग्रास नेशनल इनकम को भी जो भी इनकम आपको बतानी है नेशनल इनकम के अंतर्गत को ये गवर्नमेंट एंड अदर्स. नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे जीएनपी का फार्मूला देख लें. गवर्नमेंट प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ दी गुड्स एंड सर्विस प्लस प्राइवेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कंज्यूमर परचेज गुड्स एंड सर्विस एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्शन जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन. नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे इनकम मेथड. अंडर दी मेथड इनकम फ्रॉम दी एम्प्लॉयमेंट एंड ओनरशिप ऑफ दी असेट्स बिफोर टैक्सेशन रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटी टू बी काउंटेड. किसी भी नेशनल इनकम नेट इनकम प्राप्त करने के लिए इनकम मेथड में टैक्सेशन देने के पहले तक की बिफोर टोटल इनकम इसके अंतर्गत ली जाती. वेरियस सेक्टर स्मॉल इंटरप्राइजेस कॉमर्स ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बैंकिंग इंश्योरेंस लिबरल आर्ट डोमेस्टिक एक्टिविटीज हाउस प्रॉपर्टी पब्लिक अथॉरिटी वर्ड्स एस्टीमेट एंड इनकम मेथड. इसके अंतर्गत जो भी सर्विसेज आप प्राप्त करें टैक्स मतलब टोटल जो पैसा आप प्राप्त करते हैं जिनसे कार्य करेंगे आपको पैसे प्राप्त होंगे. करने के बाद तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना. तो वो जो पैसे आप प्राप्त किए वो नेशनल इनकम मेथड में प्राप्त है. कहां कहां से प्राप्त किए इनके विषय में मैंने आपको बताया. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कॉल्ड ऑफ द कंजम्पशन क्या आप खर्च करते हैं. सेविंग मेथड ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन द कम्युनिटी कंजम्पशन प्लस एग्रीगेट सेविंग इन द मस्ट कम्युनिटी टोटल इनकम. आप एक्सपेंडिचर ऑफ द मेथड किसी भी व्यक्ति पाएगा कहां से. पाएगा तो खर्च करेगा जब पाएगा तभी ना खर्च करेगा. तो यह टोटल एक्सपेंडिचर व्यक्ति की खर्च से ही हम उसकी आय का परिकल्पना कर सकते हैं. नेक्स्ट आप देखिए टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंजम्पशन प्लस टोटल अमाउंट सेविंग ड्यूरिंग पीरियड इन द अंडर कंसीडरेशन बेसिकली इंक्लूड प्राइवेट कंजम्पशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक नेट इन्वेस्टमेंट ए बोर्ड. टोटल इनकम किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम प्राप्त करने के लिए आप वो कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट किया है ये सब भी कैलकुलेशन करके उसकी इनकम आप निकाल सकते. सी एस ओ नेशनल इनकम निकालने के लिए ऑथराइज संस्था है. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल ऑफ द नेशनल इनकम. काजेज ऑफ द स्लो ग्रोथ नेशनल इनकम इन इंडिया क्या कारण है कि भारत में नेशनल इनकम कम है. एक्सेस डिपेंड ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी भारत में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. एग्रीकल्चर बिजनेस इन नॉट कमर्शियल ऑफ द बिजनेस इन इंडिया इन द इंटरनेशनल. आज भी भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही खराब स्थिति है और इनकी आय बहुत कम है. इंटरनेशनल लेवल पे तो ये आज भी डेवलप्ड नहीं हो गया कि हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो जो बिकते हो. तो इससे डिपेंड होने से जब पर कैपिटा इनकम कम होगी तो नेशनल इनकम कम होगा. नेक्स्ट यूनिक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम ऑफ द पुअर स्टैंडिंग ऑफ द लिविंग. लोगों में गरीबी अधिक प्रॉवर्टी अधिक होने से स्टैंडर्ड लो होने से नेशनल इनकम का ग्रोथ कम होता है. पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सीकनेस ऑफ द डेवलपमेंट आपकी मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बेस्ट पुअर ऑफ द कंडीशन. तो जब पर कैपिटा इनकम कम होगी तो नेशनल इनकम कम होगी. लैक ऑफ द
capital infrastructure depend on establishment industry transport communication lack capital मतलब लोगों का आज भी इन्वेस्टमेंट के रूप में बहुत कमजोरी होती है। जब पैसा ही नहीं है सेविंग नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं तो कैपिटल फॉर्मेशन और जब कैपिटल फॉर्मेट नहीं तो आपका बिजनेस जब ग्रोथ नहीं होगा पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ेगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो बिजनेस का ग्रोथ होगा ही नहीं तो इससे आपको नुकसान ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन रैपिड लेवल पे आपका पॉपुलेशन ग्रोथ होता है सारे प्लान आपके फेल हो जाते हैं। पुअर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी फैसिलिटीज पुअर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी फैसिलिटीज जो भी सुविधाएं आप देते हैं वो सभी फैसिलिटीज सबके लिए एनफ नहीं होती। अनस्किल्ड ऑफ दी लेबर लेबर आपके पास परफेक्ट नहीं है इंजीनियर क्वालिफाइड नहीं है डॉक्टर्स आपके लिए पास क्वालिफाइड नहीं है उनके पास आप पॉपुलेशन के हिसाब से आपके पास वैसे इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के सुधार की आवश्यकता है जिससे आप नेशनल इनकम पर कैपिटा बढ़ाइएगा तभी आप राष्ट्रीय स्तर पे इनकम को बढ़ा सकते हैं। आज आपने मेरे पूरे वीडियो नेशनल इनकम को देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपसे विनम्र अनुरोध है आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।